सपा नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की 3 दिन की छापेमारी में बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी के लखनऊ, मऊ और मैनपुरी समेत कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर के 130 ठिकानों पर हुई छापेमारी में सैकड़ों करोड़ रुपए की गड़बड़ियां पाई गई हैं। पता चला है कि सपा नेताओं ने कई फर्जी कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जुटाए और 244 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। फर्जी कंपनियों में हवाला के जरिए लेनदेन की भी पुष्टि हुई है। यूपी को अभियोजन के क्षेत्र में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देश के समस्त राज्यों के मुकाबले में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री IIT से गीतानगर तक मेट्रो में सफर करेंगे। मेट्रो में पीएम मोदी के साथ 150 बच्चे करेंगे सफर। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्याज लदा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 बच्चियों की मौत हो गई। इनकम टैक्स विभाग ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर, कन्नौज, मुंबई और गुजरात स्थित उनके घर, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप पर एक साथ छापा मारा। पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। ये वही पीयूष जैन है जिन्होंने 1 माह पहले समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग लखनऊ में की थी। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 122 नए मामले सामने आने के बाद देश में इस स्वरूप के मामले बढ़कर 358 हो गए। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अगले साल फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का संकेत दिया है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग 27 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव कराने और तारीफ आगे बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।